आज अहमद फराज़ की बड़ी खूबसूरत सी गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि वफा के बाब में इल्ज़ाम आशिकी न लिया, वफा के बाब में इल्ज़ाम आशिकी न लिया, कि तेरी बात की और तेरा नाम भी न लिया। खुशा वो लोग के महरूम में इल्तिफात रहे, तेरे करम को बअंदाज़ सादगी न लिया। तुम्हारे बाद कई हाथ दिल के सिमट बढ़े, हज़ार शुक्र गिरेबां को हमने सी न लिया। तमाम मस्ती और तिश्ना लबी के हंगामे, किसी ने संग उठाया किसी ने मी न लिया। फराज जुल्म है इतनी खुद तमादी भी, कि रात भी थी अंधेरी चिराग भी न लिया। वफा के बाब में इल्ज़ाम आशिकी न लिया, इन द चैप्टर ऑफ लव। वफा के बाद इल्ज़ाम आशिकी ने लिया, जब जिक्र चला, जब उस चैप्टर के मतलब जब उसके जब स्टडी हुई, उस चैप्टर के जब बात चली, तो हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वरना क्या होता, मुझ पर आशिकी का इल्ज़ाम लग जाता। तो वफा के बाद में जब चैप्टर चल रहा था, इसकी जब पढ़ाई हो रही थी, वफा के लव चैप्टर की जब बात हो रही थी, तो हमने इल्ज़ाम आशिकी से बचने के लिए कि तेरी बात तो की, तेरी तुझसे जो मेरी वाबस्तगी है उससे उसकी तो बात की हमने, बस तेरा नाम नहीं लिया, पर्दा कर दिया हमने, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम आशिकी ना लगे। वो एक गज़ल का एक शायर है ना कि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। वही काम यहाँ भी हुआ है कि वफा के बाब में इल्ज़ाम आशिकी न लिया, कि तेरी बात की और तेरा नाम भी न लिया। खुशा वो लोग के महरूम में इल्तफात रहे, बड़े खुशनसीब लोग हैं, शाबाश, वो अच्छे लोग थे, बड़े खुशनसीब लोग थे, जो तुम्हारे इल्तफात के मत तुम्हारे करम तुम्हारी मेहरबानियाँ तुम्हारी मोहब्बत से महरूम रहे, वो बड़े खुशनसीब लोग थे। खुशा वो लोग के महरूम में इल्तफात रहे, कि तेरे करम को बअंदाज़ सादगी न लिया, कि तूने जब उस पर करम किया, जब उस पर मोहब्बत की निगाह डाली, तो वो लोग इतने सादा थे, इतनी सादगी थी उसमें, वो समझ ही नहीं पाए और उस करम और उस मेहरबानी को वो अपना नहीं सके, तो खुशनसीब थे वो लोग, वरना वो बर्बाद हो जाते ठीक मेरी तरह। तो खुशा वो लोग के महरूम इल्तफात रहेगी, जब तुमने उनसे लुत्फ़ की बात की, जब तुमने इल्तफात किया, उन पर करम की मेहरबानी की, तो बेचारे इतने सादा थे, इतनी सादगी थी उनमें, जो तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं सके, और यूँ लगा जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। तेरे कर्म को बअंदाज़ सादगी ने लिया, इतने सादा थे कि तेरे कर्म को वो अपना नहीं सके, और देख तेरे कर्म को अपना करके मेरा क्या हश्र हुआ। तुम्हारे बाद कई हाथ दिल के सिमत बढ़े, हज़ार शुक्र के गिरेबां को हमने सी न लिया। तुम्हारे बाद कई हाथ दिल के सिमत बढ़े, हज़ार शुक्र गिरेबां को हमने सी न लिया। जब तुम हमारी ज़िंदगी में आए और आकर चले गए, हम तो दीवानगी में अपना गिरेबां चाक कर बैठे, तो तुम्हारे बाद भी कई लोग हमारे दिल के सिमत आए, हमारे दिल के सिमत हाथ बढ़ाए उन्होंने, अपने मेरे दिल को अपनाने की खातिर, मेरा दिल लेने की खातिर अपना हाथ उन्होंने बढ़ाया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना जो चाक गिरेबां किया था उसको हमने सिया नहीं था। अगर चाक गिरेबां को मैं सी लेता, तो फिर कितने हाथ हमारे दिल की जानिब बढ़ रहे थे अपनाने को, और वो सबके सब आते, और फिर मैं किसको हाँ करता किसको ना करता। तो जब वो लोग हाथ बढ़ाया मेरे दिल की तरफ, तो चाक गिरेबां देख करके वो लोग फिर पीछे हट गया, कहा कि नहीं ये तो पहले से बर्बाद है, ये अब इसका दिल तो मिलने से रहा हमें। तो तुम्हारे बाद कई हाथ दिल के सिमट बढ़े, हज़ार शुक्र गिरेबां को हमने सी न लिया। तमाम मस्ती और तिश्ना लबी के हंगामे, किसी ने संग उठाया किसी ने मी न लिया। ये जो दुनिया के और ज़िंदगी के जो हंगामे हैं, इन्हीं दो चीज़ों के बीच तो होती कि ये तो हंगामे हैं, कोई तो मस्त है ज़िंदगी की शराब इस कदर उसे मिली कि वो मस्त है, चूर है अपने नशे में वो, और कोई है जो तिश्ना लब प्यासे होंठ लेकर के चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, ज़िंदगी का कोई ख़तरा उन्हें नसीब नहीं हो रहा। तो दो ही हंगामे हैं, तो एक तो वो मस्ती वाले जो है जो मीना उठाकर हंगामे कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं मिला जो बेचारे प्यासे हैं भूखे प्यासे, उन्होंने संग उठा लिया, पत्थर उठा लिया उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्हें ये ज़िंदगी मिली थी। तो इन्हीं दो लोगों के बीच की जो तसादुम का जो तसादुम है, ये जो हंगामे हैं, पूरी दुनिया के हंगामे इन्हीं दो चीज़ों पर तुम नसर है। तमाम मस्ती और तिश्ना लबी के हंगामे, किसी ने संग उठाया किसी ने मीना लिया। फराज जुल्म है इतनी खुद तमादी भी, कि रात भी थी अंधेरी चिराग भी ने लिया। भाई खुद तमादी तो बड़ी अच्छी चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए हर एक में, लेकिन इतनी भी क्या खुद तमादी भाई, कि रात अंधेरी थी और चिराग भी नहीं लिया, साथ चलने के लिए कोई चिराग भी नहीं उठाया तुमने, जबकि तुम्हें चाहिए था कि रात अंधेरी में तो कोई चिराग तो हाथ में हो कम से कम रास्ता दिखने के लिए। लेकिन ये क्या खुद एतमादी है कि अंधेरी रात में निकल पड़े अंधेरी में बगैर किसी चिराग के, ये तो खुद एतमादी नहीं, ये तो पागलपन है। फराज़ जुल्म है इतनी खुद एतमादी भी, कि रात भी थी अंधेरी
चिराग भी न लिया। अहमद फ़राज़ की गज़ल आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और चाहे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।